आज हम आए हैं खो नागोरिया। ये जयपुर ज़िले में ही पड़ता है और जयपुर शहर के काफ़ी करीब है। तो आज यहाँ के बुज़ुर्गों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, NRC CAA पे चलने वाली नई बहस के बारे में, और इस इलाके की कोई और ऐसी दिक्कत जिसके ऊपर पहले तवज्जो दी जानी चाहिए ऐसे कानूनों को बनाने से, उसके बारे में भी इनसे जानते हैं। जी जी, मोदी सरकार के द्वारा जो NRC जो है ये बिल्कुल गलत, इसके देश में असंतोष पैदा होगा। इसके बजाय तो रोजगार पर, शिक्षा पर, इन पे विचार करना चाहिए। सरकार ने ऐसे पूरे देश में एक तरह असंतोष जाहिर हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसके फैसले, सरकार की नीति के फैसले गलत है। सरकार जो फैसले निर्णय ले रही है, जैसे तलाक का मामला था 3 दिन, उसमें कौन सी महिला क्या मिला, कितने तलाकें हो रही है, या उन्होंने क्या दे दिया महिलाओं के लिए, महिलाएं शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही हैं, उनके साथ क्या क्या दिलवा रहे हैं। इससे सरकार की ये नीतियां गलत है, नागरिकता का जो कानून लाए गलत है, इससे देश में असंतोष पैदा होगा। तो ये आपको ऐसा लगता है कि एक खास समाज, खास वर्ग विशेष के लिए सरकार टारगेट कर रही है कि उनके खिलाफ नीतियां बनाई जाए, उसका असंतोष है, या ये नीति गलत है? इनकी नीति करें, समाज मुस्लिम समाज को लेकर उन्होंने सारे करें, तलाक का मसला लाए मुस्लिम से संबंधित है, नागरिकता का लाए तो मुस्लिम को नहीं नागरिकता, और को नागरिकता। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि सरकारी नीति में खोट है। पर नेता तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे, वो जो मुसलमान आए उनको नागरिकता नहीं मिलेगी या जल्दी नहीं मिलेगी, और बाकियों को मिल जाएगी। ये सरकार की एक सफाई है? ये सफाई नहीं है, बिल्कुल साफ जग जाहिर हो रहा है कि उनका साफ जाहिर हो रहा है मुसलमान नागरिकता नहीं मिलेगी। हिंदू भी तो पाकिस्तान से आ रहा है और मुस्लिम भी आ रहा है, तो उसको क्यों नहीं मिले, तो दोनों को मिले, नहीं मिले, इससे कि नीति में खोट है सरकार की। अच्छा, और इस इलाके की कोई ऐसी बड़ी दिक्कत जिस पे आपको लगता है कि सरकार को तवज्जो पहले देनी चाहिए थी ऐसे कानून बनाने से, वो कुछ? ये शहर के राजधानी के बिल्कुल करीब है, मुश्किल से 8 किलोमीटर, लेकिन यह शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं सरकार का, न कोई लड़कियों की स्कूल है आज तक कोई, न कॉलेज है न स्कूल है। तो जो तालीम के लिए बच्चियां जाना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई मौका मौजूद नहीं है? कोई मौका, कोई स्कूल नहीं है गर्ल्स के। और चिकित्सालय वगैरह? चिकित्सालय भी नहीं है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई बड़ा चिकित्सालय नहीं है, प्राइवेट चिकित्सालय है। तो NRC जब सरकार ने आसाम में किया था तो उस पर 100 करोड़ का खर्चा आया। NRC अब अमित शाह साहब कहते हैं कि वो पूरे देश में करेंगे, उसके बाद मोदी जी कहते हैं नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि कर देंगे। तो इतना पैसा जब वहाँ लगता है NRC बनाने पर, उससे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि इन क्षेत्रों में पहले काम होना चाहिए? इन पैसों को बजाय इसके गरीबों में मकान बनाने में, शिक्षा में, रोजगार में, उनमें लगाते तो कितने को तो मकान मिलते गरीबों को, कितने लोगों को शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज, इतना पैसा खर्च, कितने कॉलेजें बन जाते, स्कूलें बन जाते गरीब इलाकों। तो सरकार को ऐसी इनके बजाय रोजगार पे, शिक्षा पे और चिकित्सालय पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और एक बड़ा जजमेंट और आया, वो जजमेंट था कि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, जहाँ पे बाबरी मस्जिद की शहादत हुई वहाँ पर राम का मंदिर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इस पे भी माना जा रहा था कि बहुत असंतोष आएगा मुसलमान समाज से, उस पे आप क्या सोचते हैं? मुसलमान ने तो कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट का सम्मान करेंगे, लेकिन उसमें कोर्ट में भी जो फैसला आया उसमें साफ जाहिर था कि इसमें कहीं ना कहीं गलत फैसला है। तो 1992 में जो वाक्या हुआ उसके ऊपर कोर्ट अपने फैसले में लिखता है कि वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब वहाँ पे राम का मंदिर बन जाए, तो क्या आपको ये सही लगता है फैसला? नहीं, वो तो अगर कोर्ट का तो सम्मान है, लेकिन फैसले में कहीं ना कहीं चूक है। अच्छा, हाँ ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं, और बुजुर्ग हमारे साथ। जी साहब, NRC और CAA पे आपको क्या लगता है, जो मोदी सरकार के नए फैसले हैं वो मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं। उससे क्या आपको क्या कमी है, मोदी सरकार में अभी क्या कमी लगती है आपको? महंगाई चल रही है, महंगाई बढ़ा रखी है और हर लोग परेशान हो रहे हैं, मजदूरी से परेशान हो रहे हैं। तो मजदूरी में अच्छी दिहाड़ी नहीं मिलती, सरकार तो कहती है बहुत पैसा मिलता है मजदूरी में आजकल। काहे कौन मिला है,
300 रुपया हम तो मजदूरी करवाओ जाए, 600 रुपया काम करवाओ ला। अच्छा, मतलब मजदूरों का शोषण हो रहा है इस सरकार में, ये जो सरकार कहती है आम आदमी की सरकार है उसमें मजदूरी के पैसे नहीं मिल रहे है, आप कह रहे हैं मजदूरी के पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो वो सरकार जो बार बार ये कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि हमें अभी अभी बताया गया कि मजदूरी में 600 रुपये का काम करवाया जाता है और मजदूरी मिलती है केवल 300 रुपये, यानी दिहाड़ी का पैसा जो मिलता है वो आधा ही मिलता है पूरे पूरे वक्त का या पूरे एफर्ट का, सही मोल इन्हें नहीं मिलता। जी साहब, आपका क्या विचार है मोदी सरकार की नीतियों पे? गलत फैसले हैं मोदी सरकार के, NRC CA पे सब गलत फैसले हैं। 3 तलाक के मामले में तो बहने बना लिया था, आज बहनों पे क्यों नहीं मोदी सरकार ध्यान दे रही है? नहीं, पर बहनें तो उतर आई है शाहीन बाग में, वो तो जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। नहीं, वो सरकार की नीतियों के ऊपर बैठी हुई है, नीतियां गलत है सरकार की, इसलिए बैठी हुई है। और 3 तलाक का जो ये मसला था जिसके ऊपर बहुत बात होनी चाहिए थी पर हुई नहीं शायद, उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? वो तो हो गया फैसला, उसमें जो भी वो कर दिए बर्दाश्त करके मान लिए, सब क्या करें। ये भी बात सही है, सरकार ने फैसला कर लिया है तो बर्दाश्त कर रही है। इस देश की जनता की यही एक अजीब सी विडंबना है, हम सरकारों को चुन लेते हैं और उसके बाद सरकारों को बर्दाश्त करते हैं। ये एक अजीब सी जमहूरियत है, एक अजीब सा लोकतंत्र है जहाँ पर सरकारों को चुनने के बाद हमें ये समझाया जाता है कि अब 5 साल के लिए ये आपके जवाई हैं, जो भी है जैसे भी हैं सहते रहिए, क्योंकि इनके साथ तलाक अब नहीं होगा। जी, आपका साहब क्या मानना है ये CAA, NRC, मोदी सरकार की दीगर नीतियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार सारा कानून है जो गलत कानून, सारे के सारे, एक मुसलमान का टारगेट परेशान करना, NRC लगा दी गलत, मुसलमान परेशान, और जो तलाक का मामला था वो परेशान, नोटबंदी कर दी, सारा देश का मान क्या गरीबी का, और भी गरीबी आ गई, अरे गरीबी ज़्यादा गरीब है, नोटबंदी सारा कारखाना सब बंद है, आज मजदूरी नहीं है, आधा आदमी मजदूरी कर, आधा बैठा है बेचारा यार, NRC एक मुसलमान टारगेट बना दिया, कहीं मर रहा है कहीं पीट रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई सरकार ही है, ये कोई धर्म की सरकार थोड़ी है, बिल्कुल सही, अजी बिगड़ धर्म की सरकार है, कोई धर्म नहीं इनका, कोई सरकार का मोदी कौन सा मोदी सरकार है, ये कोई धर्म ही नहीं है, इंसानों को मारना, इंसानों को ख़त्म करना, गोलियां चलाना, पुरुष भेजना, अब डंडा आ गया इनका हाथ में, और बाबरी मस्जिद का तो डंडा इनका हाथ में ना, कोर्ट फैसला कर दिया इनका, कोई साबूत ही नहीं, बाबरी मस्जिद मस्जिद को तोड़ दिया, रब मंदिर का फैसला चालू कर दिया, ये तो गलत है, सारा मामला गलत है इनका। अच्छा, एक एक बड़ी आजकल एक मुहिम सी चल रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे खास तौर पे, जिसमें कहा जाता है कि भाई जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं ऑलरेडी, जो मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं छेड़ेगा, हम तो जो बाहर से आ रहा है उसको छेड़ रही है सरकार, बार बार ये बात दोहराती रहती है हर मंच से, सरकार ये बात कहती है कि जो इस देश का नागरिक है उसको कौन कैसे तंग कर रहा है, उस पर आपको क्या सोचना? ये बात हो तो हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी, तो मुसलमान की परेशानी, हिंदू आई थे नहीं, अजी सारे सारा ही बाहर से आ गए ना, अब वो तो यहाँ रहने वाला क्या पता कागज किसी पास है नहीं है, आधा के पास कागज ही नहीं है, कहाँ से कागज लेंगे बेचारे वो। अच्छा, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है? हमारा तो यहाँ 900 साल का कम से कम है, हम तो यहाँ रहने वाले खो नागवरियान का, हम तो भाई तावा पत्र था यहाँ तो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बर्थ सर्टिफिकेट सरकार, जब आप पैदा होते हैं तो सरकार एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ साहब फलाना इंसान पैदा हुआ। नहीं है किसी के पास भी, अजी अनपढ़ आदमी सारे तो अनपढ़ ही चालू, ये सारा बुजुर्ग अनपढ़ थे बेचारे, हम भी अनपढ़ है, अब ये बाद में आपकी पढ़ाई चालू, यहाँ कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है, कोई लड़के की स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई मसला थोड़ा ही है। तो सरकार ने आज तक एक ऐसी सूची हमें नहीं बताई कि यदि NRC आएगा या CA आ गया तो उसमें प्रूफ ऑफ स्टे, यानी 2015 से पहले कोई व्यक्ति विशेष इस देश में आ गया था उसका मापदंड क्या होगा। तो लोगों ने अज्यूम किया कि पासपोर्ट एक्ट या फिर सिटीजनशिप एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट है उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे, यदि उनको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके इस देश में आता है तो उसको नागरिक मान लिया जाएगा। उसके बाद अमित शाह साहब ने बार बार कहा कि क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा,
CAA किया है, इसके बाद NRC करेंगे। NRC करेंगे तो कुछ दस्तावेज मांगेंगे। जहां हम बैठे हैं वहां हमें अभी बाबा ने बताया कि 900 साल से उनका परिवार यहां रह रहा है, 900 साल से, लेकिन उनके पास कोई कानूनन दस्तावेज ऐसे नहीं है जिससे साबित हो पाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहीं के नागरिक हैं, यहीं रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं। ऐसे लोगों के दिल में जब सवाल उठेंगे, शक पैदा होगा, एक अजीब सा शुभा पैदा होगा, और उसको दूर करने के लिए सरकार बहुत कुछ नहीं करेगी, तो इस नीति में, जो कि हो सकता है अच्छी नीति हो, हम नहीं जानते क्योंकि हमें सरकार ने बताया ही नहीं। सरकार की तरफ से बार बार अलग अलग बातें कही गई, NRC होगा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, NRC होगा वैसे? नहीं होना चाहिए ना NRC तो। नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को आप जितना जानते हैं, या मोदी, अमित शाह, BJP, जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको आप जितना समझते हैं, क्या होगा NRC? अभी तो सारे झूठे जी, अब डंडा इनके हाथ में, सारी सारा पार्लियामेंट इनका, सारा चीजा इनकी, कुछ भी कर सकते हैं। तो नहीं, लेकिन राज्य में तो सरकार अशोक गहलोत की, और वो तो कहते हैं कि हम NRC को सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ नहीं होगी। लेकिन वो केंद्र वाले कहते हैं कि केंद्र कोई कानून बना दे तो राज्य की सरकार कैसे मना कर सकती है? अब ये तो इनके कानून से मना करी राज्य सरकार, तो अब ये अपना तो क्या पता क्या कानून बना रखा है इन्होंने भी, भाई अलग अलग राज्य का जो कानून है अभी नहीं मान रहे, हम भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, जिस इलाके में हम अभी बैठे हैं उसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर समाज, हर जाति के लोग रहते हैं? हर जाति के लोग रहते हैं सब। और कोई ऐसी कोई लड़ाई आपस में, कोई मारकाट हुई हो कभी, या कोई लड़ाइयाँ हो गई हो कभी? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे, सब मिले जुले रहते हैं, जैसे दूध मक्खन मिला ऐसे मिल रहे हैं हाथों। इससे मीठी बात आपको भारत के लिए शायद ही सुनने में आए, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा ने बोला कि हम ऐसे मिलजुल के रहते हैं जैसे दूध में मक्खन मिल जाता है। ये भारत की खूबसूरती है। अगर इस खूबसूरती से कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये कानून उस खूबसूरती से खिलवाड़ करने की कोशिश है, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक डर, एक शक कुछ लोगों में ये बैठ गया है कि ये जो सरकार है, जो आज की सरकार है, वो एक समाज के खिलाफ है, एक वर्ग के खिलाफ है। और जब ऐसे डर बैठते हैं तब या तो मुल्क तकसीम होता है, या समाज तकसीम होते हैं, या कत्लो गारत फैलती है। कत्लो गारत यहाँ नहीं फैलेगी क्योंकि ये तो दूध में मक्खन की तरह मिलने का काम करते हैं, लेकिन यदि कहीं दूध में मक्खन मिलना बंद हो जाए, दूध की तासीर खराब हो जाए, उसके बाद वही दूध, वही मक्खन जहर भी हो सकता है। इसे जहर बनने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें टू द ब्लंटर, एज ब्लंट एज इट गेट्स।